अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लेक्चर नंबर कल जो कल का लेक्चर था और जो बेसिकली आज का लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 16 और 17, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम पे चल रहा है जो हमारे मेन टीचर ने डिस्कस किया है। वो है प्रॉब्लम नंबर 4.1, फोरकास्टिंग चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 4.1 है, बुक में जाके देख सकते हो। अ प्रॉब्लम है द फॉलोइंग गिवन द नंबर ऑफ पिंच ऑफ टाइप ए ब्लड यूज एट वुडलॉन हॉस्पिटल इन द पास्ट 6 वीक। पिंट्स कहते हैं यूनिट ऑफ लिक्विड, मीन्स के ब्लड जो टाइप ए है उसका जो लिक्विड है वो इस्तेमाल हुआ है वुडलॉन हॉस्पिटल में इन पास 6 वीक्स। अब वो वीक दियो में उनके दिन दियो में अगस्त 31 से सितंबर 7, सितंबर 14, सितंबर 21, सितंबर 28 और अक्टूबर 5, और इतना जो है लिक्विड जो है वो यूज हुआ है, ठीक है, 360, 389, 410, 381, 360, 374, ये हफ्ते दे दिए यहाँ पे, और ये हमें दे देगा कितना लिक्विड यूज हुआ है, ठीक है, तो ब्लड का उसके यहाँ पे अमाउंट दे दी गई है। अब तीन उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं आगे। पहला है फोरकास्ट द डिमांड फॉर द वीक ऑफ अक्टूबर 12 यूजिंग अ 3 वीक मूविंग एवरेज, ठीक है। पार्ट ए में हमें जी कहा है कि फोरकास्ट पता करें डिमांड की अक्टूबर 12 की यूजिंग 3 वीक मूविंग एवरेज। अब जिस तरह के स्टैटिस्टिक में टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज के क्वेश्चन किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे किए जाएंगे। तो अब आगे की तरफ आते हैं कि ये 4.1 प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है पार्ट ए का, जिसमें फोरकास्ट द डिमांड फॉर द वीक ऑफ अक्टूबर 12 यूजिंग 3 वीक मूविंग एवरेज बताई गई है कि 3 वीक मूविंग एवरेज की मदद से हमें फोरकास्ट बतानी है अक्टूबर 12 की, ठीक है। तो हम 3 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, ये 3 हफ्ते जो है ना, ये लाइक 10, 31, सितंबर 7, सितंबर 14, इन 3 को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो अगले हफ्ते की फोरकास्टिंग होगी, ठीक है। अगर हमने 31, 7 और 14 को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया है, जो वैल्यू आएगी वो 31 सितंबर की होगी। सिमिलरली जब हम 7 सितंबर, 14 सितंबर और 21 सितंबर को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 28 सितंबर की फोरकास्ट वैल्यू होगी। सिमिलर जब हम 21 सितंबर, 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो फोरकास्ट वैल्यू होगी 12 अक्टूबर की। तो हमने यहाँ पे सिमिलर ये प्रिंट यूज लिख दिए और 3 वीक मूविंग एवरेज किया, तो हमने 360, 389, 410 को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया, तो सितंबर 21 की वैल्यू आई 386.3, जो कि काफी हद तक करीब है। सिर्फ 5 आपके प्रिंट्स का फर्क है, पड़ा ये सॉरी 5 मिनट्स का फर्क है, ये हमने फोरकास्टिंग की। सिमिलर फिर हमने अगले 3 की फोरकास्टिंग की, सितंबर 7, 14 और 21 की, तीनों वैल्यू को ऐड किया 389, 410, 381 और 3 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 393.3 पिंट्स सितंबर, ये आगे 28 की फोरकास्टिंग आ गई। सिमिलर फिर हमने सितंबर 14, 21 और 28 की एड, ठीक है, 410 को ऐड किया, 381 को ऐड किया, 368 को 3 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू 386.3, ये अक्टूबर 5 की फोरकास्टिंग आ गई, लेकिन हमें चाहिए थी अक्टूबर 12 की। तो हम क्या करेंगे, सितंबर 21, सितंबर 28 और अक्टूबर 5 की वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो कि 381 है, 368 है और 374 है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 374.3, जो कि अक्टूबर 12 की फोरकास्टिंग होगी। अक्सर लोग पूरा प्रोसीजर नहीं चलते, वो जस्ट आखिरी 3 को ऐड कर लेते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं, जो कि एवरेज का तरीका कार है 3 ईयर मूविंग का, और आंसर निकाल देते हैं और कहते हैं ये 12 की फोरकास्टिंग, अक्टूबर 12 की। सिमिलर जिस तरह सर ने नोट उधर किया हुआ था लेक्चर के अंदर, सितंबर 21, 381, सितंबर 28, 368, अक्टूबर 5, 374, तीनों को ऐड किया, ये मूविंग हो गई, 3 पे डिवाइड किया, 374.3 आंसर आ गया। दिस इज द फोरकास्ट डिमांड फॉर अक्टूबर 12। यहाँ पे पार्ट ए जो आपका है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी ये किस तरह से किया हुआ था सर ने। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में उसने कहा है यूज अ 3 वीक वेटेड मूविंग एवरेज with weight of 0.1, 0.3 and 0.6 using 0.6 for the most recent week forecast demand for the week of October 12. अब उसने हमें दोबारा कहा है कि आपने अक्टूबर 12 की फोरकास्ट जो डिमांड है वो आपने पता करनी है, बट अब हमने वेटेड मूविंग एवरेज के थ्रू करना है। इसमें हम वेट दे देते होते हैं, ठीक है,
जिस तरह उसमें तीन हमने हफ्तों को ऐड किया था, तो इसमें हम तीन हफ्तों को वेट देंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उनको फिर ऐड करेंगे, तब ये कहलाता है वेटेड मूविंग एवरेज। तो जो 0.6 है वो आखिरी जो तीन वैल्यू में से आखिरी वैल्यू होगी उसको देंगे, दरमियान वाले को 0.3 और पहले वाले को 0.1 वेट देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इन आइटम से, तब वो वेटेड मूविंग एवरेज होगा। तो अब आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। वी कैन गो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर एज वी यूज इन पार्ट ए। हम प्रॉपर तरीके के साथ जा सकते हैं कि हर यूनिट हर किसी को वेट देते रहें और फिर जमा करते रहें, लेकिन अब हमें पता है कि जो आखिरी तीन हफ्ते हैं इनको ऐड करने से ही हमें अक्टूबर 12 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आज हमने लिखा यह है वी कैन गो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर एज वी यूज इन पार्ट ए, बट एज वी नो बाई गेटिंग एवरेज ऑफ लास्ट थ्री वीक्स वी कैन गेट द डिमांड फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर 12। लेकिन हमें पता चल चुका है कि आखिरी तीन हफ्तों की जब हमने एवरेज ली थी तो हमारे पास डिमांड पता चल गई थी फोरकास्ट की अक्टूबर 12 की, बट नाउ वी हैव टू यूज वेट विद देम। लेकिन अब हमें अक्टूबर 12 की मालूम करने के लिए तीन आखिरी तीन हफ्तों में सब वेट को भी यूज करना पड़ेगा, एंड जस्ट नीड टू एड दम एंड डिवाइड दम विद देयर वेट। और अब हमने जस्ट उनको ऐड करना है वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद और उनके वेट से डिवाइड करना है। अब ये होगा कैसे कि 381, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, सितंबर 21 की 381, सितंबर 28 की 368 और अक्टूबर 5 की 374, यहाँ पे हमने लिख दिए 381, 368, 374। अब इनको जो हमें क्वेश्चन में वेट दिया है उनसे मल्टीप्लाई करना है। 0.6 हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे आखिर में वैल्यू दी गई होगी 374, 0.3 मिड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.1 पहले वाले जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो सर से मे बी मिस्टेक हो गई है, उन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया। जब वेटेज मूविंग एवरेज होता है तो जो वेट होता है उसको प्लस करते हैं और उससे डिवाइड करते होते हैं, और मोस्टली जो वेट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब जब ये हम 0.1 को 0.3 को 0.6 को मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो उसकी वैल्यू 1 बनती है। जब हमने 381 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू वही 38.1, प्लस 368 को वेट 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू वही 110.4। जब 374 को मल्टीप्लाई किया 0.6 से तो हमारे पास वैल्यू वाई 224.4, और जो टोटल वेट हमने ऐड किया तो 1 आ गया, तो हमारी जो इज इक्वल टू वैल्यू आएगी वो 372.9 ओवर 1 आएगी, तो वो इज इक्वल टू 372.9 ही बनती है। तो अक्टूबर 12 की फोरकास्टिंग वेटेड मूविंग एवरेज के हिसाब से ये बनती है। सर ने थोड़ी सी मिस्टेक किया है कि उन्होंने वहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया था, 3 से डिवाइड करने से आंसर 100 समथिंग आएगा, तो वो तो फिर फोरकास्टिंग बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही है और फोरकास्टिंग क्या आ रही है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से करते हैं, जो वेट होता है उनको ऐड करके डिवाइड कर देते होते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या कहा है हमें, कंप्यूट द फोरकास्ट फॉर द वीक ऑफ अक्टूबर 12 यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद फोरकास्ट ऑफ अगस्त 31 और 360 एंड अल्फा 0.2। अब वो हमें कह रहे हैं कि हमने फोरकास्ट करनी है अक्टूबर 12 की, सिमिलर जैसे ए पार्ट में बी पार्ट में की है, बट यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अब हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज करना है। अगस्त 31 पहले हफ्ते की फोरकास्ट खुद से उसने हमें 360 दे दी है, अल्फा हमें 0.2 उसने दे दिया है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं FT = FT-1 फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड प्लस अल्फा एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट पीरियड माइनस फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड। ये जो हमने पहले सवाल किए थे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बिल्कुल वैसे होगा, ठीक है। तो वीक हमें दिए हुए होंगे, एक्चुअल डिमांड ऑफ प्रिंट जो थी वो भी हमें दी हुई होगी, फोरकास्ट हमने करना होगा, 360 अगस्त की पहले से हमें गिवन है पड़ी, ठीक है। तो हमने सितंबर 7 की निकालनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे FT = 360, यानी कि पिछली फोरकास्ट जो थी अगस्त की वो 360 थी, वो हमें गिवन थी, हमने वैसे की वैसे लिख दी, प्लस 0.2 अल्फा की वैल्यू लगा दी, पिछली जो डिमांड थी ओरिजिनल वो भी 360 थी, इज इक्वल टू हम माइनस करेंगे हम पिछली डिमांड फोरकास्ट से वो भी 360 अगस्त की गिवन है, तो हमारे पास वैल्यू 360 ही आ जाएगी। मीन के सितंबर की जो हमने डिमांड फोरकास्ट की वो भी 360 आ गई। तो अब हमने सितंबर 14 की निकालनी है, तो फार्मूला लगाएंगे एफ टी
और हम इज इक्वल टू कर देंगे लास्ट मंथ की जो फोरकास्ट हमने निकाली थी, वीक की सॉरी जो हमने निकाली थी वह सितंबर 7 की 360 थी, वह हमने लिख दी। अल्फा हमें 0.2 गिवन है। अब एक्चुअल जो डिमांड थी लास्ट वीक की सितंबर 7 की वो 381 थी, 381 यहाँ पे लिख दिया। फिर हम फोरकास्ट ऑफ लास्ट वीक लिखेंगे -360। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फोरकास्ट आ जाएगी सितंबर 14 की 365.8। ये आगे सिमिलर फिर हम सितंबर 21 की फोरकास्टिंग करेंगे, फार्मूला लगाएंगे FT इज इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ लास्ट वीक जो हमने निकाली थी 365.8, वो यहाँ पे मेंशन कर दी, प्लस अल्फा की वैल्यू 0.2। एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट वीक वो 410 थी, वो लिख दी। फिर हमने फिर लिखा फोरकास्ट ऑफ लास्ट वीक जो हमने निकाली थी -365.8, वो यहाँ लिख दी। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सितंबर की जो फोरकास्ट, सितंबर 21 की जो फोरकास्ट निकलेगी वो 374.64 निकलेगी। अब वो हमें कहता है निकाले सितंबर 28 की, सितंबर 28 की निकालने के लिए फिर हम फार्मूला लगाएंगे FT और हम लिखेंगे लास्ट वीक की जो फोरकास्ट थी वो हमने निकाली थी 374.64, यहाँ पे लिख दी, प्लस अल्फा 0.2। फिर हम लिखते हैं एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट वीक जो सितंबर 21 की 381 थी वो यहाँ पे लिख दी, माइनस फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड या लास्ट वीक जो थी वो हमने लिख दी -374.64। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 375.912, ठीक है। फिर उसने हमें, हम निकालेंगे अक्टूबर 5 की फार्मूला लगाते हुए, फिर वही लिखेंगे FT इज इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड यानी कि लास्ट वीक जो हमने निकाली थी 375.912, वो लिख दी, प्लस अल्फा 0.2 लिख दिया। फिर हम ब्रैकेट में लिखते हैं एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट वीक पीरियड यानी कि लास्ट वीक वो 368 थी सितंबर 28 की, वो लिख दी। माइनस कर देंगे फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड मींस के लास्ट वीक, तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 374.329, ठीक है। 329 जरा साफ से लिखा हुआ तो देख लेना, 329 है यहाँ पे वैल्यू। अब हमने बेसिक निकालनी है अक्टूबर 12 की, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अक्टूबर 12 की आप वैल्यू निकालें। सेम फार्मूला लगाएंगे FT इज इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ लास्ट पीरियड मीन लास्ट वीक की जो हमने निकाली अक्टूबर 5 की वो 374.529, वो यहाँ पे लिख दी, प्लस अल्फा 0.2 लिख दिया। उसमें फिर हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगा के एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट पीरियड मतलब कि लास्ट वीक अक्टूबर 5 की वो 374 थी, लिख दी, माइनस फोरकास्ट वैल्यू ऑफ लास्ट पीरियड यानी कि लास्ट वीक वो 374.29 थी, वो लिख दी। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अक्टूबर 12 की फोरकास्ट आएगी 374.2636, और यहाँ पे हमने बता दिया कि जो अक्टूबर 12 की वो फोरकास्ट है वो है 374.2636। इस तरह से हमारा ये पूरा जो प्रॉब्लम है 4.1 ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसकी PDF फाइल भी मैं भेज दूंगा वो भी देख लेना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फिर Zoom पे पूछना, जो भी मसला होगा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सबको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।